से तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर किया जमकर हमला, बोले बीजेपी ने सुशील मोदी को किया दरकिनार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे एनएमसीएच, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की मीटिंग, अस्पताल में बेड बनाने की कही बात। लातेहार में पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा बढ़ती गर्मी का असर, स्थानीयों की बड़ी परेशानियां, दूषित जल पीने को विवश ग्रामीण। सरोज जुलूस पर हो गिरिडीह में पुलिस प्रशासन की ओर से की गई बैठक, दुर्गा पूजा विसर्जन पर समेत लोगों पर बनी सहमति। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, सोचिए अब जब मंत्री जी किसी अस्पताल में पहुंचते हैं जायजा लेने के लिए, वहां के पीड़ितों का हाल जानने के लिए, अगर वहां पर एक बेटी चीख चीख कर रोती रहे, मदद की गुहार लगाती रहे, अपने पिता की मौत पर भीख मांगती रहे कि कोई तो बचाओ, लेकिन वहां पर कागजी कार्रवाई के चक्कर में एक बुजुर्ग की जान चली गई, लेकिन मंत्री जी ना तो सुनने को तैयार, ना तो वहां पर तमाम डॉक्टर। मंत्री जी ने अपना कदम पीछे कर लिया और वो बेटी वहां पर रोती रही, बिलखती रही। रिपोर्ट आप देखिए। स्वास्थ्य मंत्री के सामने खुली अस्पताल की पोल, कागजी कार्रवाई के चक्कर में गई एक बुजुर्ग की जान। मृतक की बेटी ने मंत्री जी को सुनाई खरी खोटी। अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। राजधानी रांची में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, लेकिन फिर भी कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल में आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड वार्डों का निरीक्षण करने पहुंची और अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, लेकिन इस बीच एक लड़की आई और जोर जोर से बोलने लगी कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मेरे पिता तड़प तड़प कर मर गए हैं, यही है आपके राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं। युवती जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। युवती के सवाल का मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के, ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज़्यादा उत्साह से काम करें। लेकिन मंत्री जी वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए। आपको बता दें कि युवती के पिता बुजुर्ग थे, रांची के ही रहने वाले थे, अचानक तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल पहुँचे थे, लेकिन सदर अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं था। करीब 45 मिनट तक कागजी कार्रवाई होती रही, इसी दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इनमें सबसे अधिक कोरोना के मामले राजधानी रांची में मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हालात ऐसे हैं कि रिम्स तो छोड़िए, शहर के निजी अस्पतालों में भी मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के सभी उपायुक्तों को आदेश देते हुए कहा था कि निजी अस्पतालों में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे, जो पहले 25% था। बावजूद इसके मरीजों को बेड नहीं मिलने और सही समय पर इलाज नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। न्यूज डेस्क वीआईपी न्यूज। तो जिस तरह से आज के दिन स्वास्थ्य मंत्री के सामने बेटी वहां पर बिलखती रही, रोती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में हालात कई जगह पर बेहतर नहीं है, लेकिन आज के दिन जब वो जायजा लेने पहुंचे तो वहां की तस्वीरें देखकर मानो रूह कांप गई। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कर्तक जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, मंत्री जी के सामने बताइए, एक बच्ची रो रही थी, उसके पिता की वहां पर मौत हो गई,
लेकिन कागजी कार्रवाई के चक्कर में मौत ऐसी आई कि जानने वाला हालचाल वहां पर कोई नहीं था। मंत्री जी वहां पर होने के बावजूद, कुंदन जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मौकाए वारदात पर पहुंचना कह सकते हैं महज एक इत्तेफाक था, और शायद इस इत्तेफाक की वजह से ही उन्हें जो धरातल पर जो परिस्थितियां हैं झारखंड में उसके बारे में उन्हें अंदाज़ा लग सका। और हजारीबाग का यह मरीज जिन भी परिस्थितियों में उसने दम तोड़ा हो और जो नज़ारे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से मृतक की बेटी स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर अपना गुस्से का इजहार कर रही है, वह एक महज बानगी है सागर। क्योंकि राज्य की स्थिति जो हो चुकी है वह कह सकते हैं कि राज्य अब ईश्वर के हाथों के सहारे है, क्योंकि यहाँ पर अब परिस्थितियाँ धीरे धीरे राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पकड़ से बाहर निकलती जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले रांची के कुछ अस्पतालों के संचालकों से मेरी बातचीत हो रही थी, और उस दौरान तमाम अस्पतालों के संचालकों ने यह अंदेशा जताया कि अगले एक दो घंटे के अंदर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करा दी जाती है तो देर रात होते होते कई मरीजों की जान जा सकती है, और इन मरीजों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। बेड इन अस्पतालों में खाली हैं, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से इन मरीजों की जान संकट में आ चुकी है। और कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी हैं कि अस्पताल के संचालक भी अब ईश्वर के सहारे हैं। वो कहते हैं ना, भगवान का दूसरा अवतार डॉक्टर होता है, लेकिन अब डॉक्टर भी हैं। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग नहीं मिल सका तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और जो प्रशासनिक अधिकारियों का हवाला उन्होंने दिया, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बस दिलासा दे रहे हैं कि पेशेंट्स, स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति तभी नियंत्रित होगी जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी विकराल होगी। बिल्कुल। और आपको दूसरा नज़ारा बता दूं कि यहाँ पर नगर निगम का के द्वारा जो संचालित है हरमू मुक्ति धाम, जहाँ पर कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन मरीजों की मृत्यु हो रही है, वहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो विद्युत शवदाहगृह है वह काम नहीं कर रहा है। उसके लिए इंजीनियरों को दिल्ली से बुलाया गया, लेकिन आकर इंजीनियरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, और कल देर रात तक जो सूचना मिल रही है रांची उपायुक्त और इंसिडेंट कमांडर्स की मौजूदगी में रांची के आउटस्कर्ट्स में स्थित घाघरा के स्वर्णरेखा घाट पर 52 शवों का अंतिम संस्कार कराया गया है, और उपायुक्त ने वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया है। वहां पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां रांची नगर निगम को मुहैया कराने की ताकीद कर दी है, लेकिन स्थिति यह है कि जो SOP है, कोरोना प्रोटोकॉल है, कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन मरीजों की मृत्यु होगी उनका अंतिम संस्कार विद्युत शवदाहगृह में किया जाएगा ताकि आगे संक्रमण नहीं फैल सके, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है सागर। तो आने वाले 24 घंटे कितने भयावह हो सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, किसी को अंदाजा नहीं है। अब कह सकते हैं जहां मुख्यमंत्री मधुपुर चुनाव उपचुनाव में व्यस्त हैं, माफ कर दीजिएगा चुनाव मैंने कहा उपचुनाव में, एक सीट के उपचुनाव में जहां महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरा का पूरा कुनबा लगा पड़ा है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा पड़ा है, और इधर सैकड़ों नहीं हजारों मरीजों की जान खतरे में है। तो कुल मिलाकर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल सागर। तो कुंदन जी, मान लिया जाए कि CM ने भी अपने प्रदेश की जनता को मरते हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर्स अगर ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी महज ये बातें ही बताती हैं कि उनको सहयोग पूरा नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए। कुंदन जी, ऑफ द रिकॉर्ड जितने अस्पताल संचालकों से मेरी बात हुई है उन लोगों ने कहा कि उन्होंने राज्य के
सचिव स्तर के अधिकारी विनय चौबे से बात की है, टेलीफोनिकली उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। रांची के डीडीसी से बात किया है, लेकिन तमाम अधिकारियों ने इस बात के लिए उन्हें केवल आश्वासन दिलाया है, दिलासा दिया है, भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन मुहैया करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले जितने वेंडर्स हैं, उन वेंडर्स से प्रशासनिक अधिकारियों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, अस्पताल के संचालकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं है। सागर, आप स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रामबाण की तरह ऑक्सीजन आपूर्ति है, ऐसे में ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले वेंडर्स न अस्पताल संचालकों के संपर्क में है, न राज्य के प्रशासनिक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में है। आप स्थिति का आकलन कर लीजिए, हमारे दर्शक का आकलन कर लें। और ऑन द रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने नाम लिया है कि राज्य के सचिव स्तर के अधिकारी विनय कुमार चौबे और रांची के डीडीसी, इन दोनों अधिकारियों से लगातार तमाम संचालक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई अभी तक ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो कुंदन जी, क्या किया जाए? प्रदेश की जनता को तो कुछ जवाब चाहिए, या आखिर हमारे प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो चरमराती हुई दिखा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जायजा लेने तो पहुंचे अस्पतालों का, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि अस्पतालों की हालत जो है वो हम बेहतर करने की कोशिश में है। ये बेहतर अब कब होगा? कोरोना इतना अधिक पिक पर जा रहा है, लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं, रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं देश में प्रदेश में, फिर भी अभी तक गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं तमाम वो हुक्मरान जो बार बार दावे करते हैं मंच पर कि हम प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। कुंदन जी, मंत्री पीपी किट पहनकर वह अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं कोविड वार्ड का निरीक्षण करने, लेकिन इन तमाम कह सकते हैं उनके कदम से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। जरूरत है एक ठोस सुनिश्चित व्यवस्था करने की, और जो व्यवस्था है, जो सरकारी इंतजाम किए गए हैं, उसे दुरुस्त करने की। आपको दूसरी बात बता दूं सागर, कि जो स्थिति रांची के तमाम अस्पतालों की हुई पड़ी है, ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से भले ही बेड खाली हो, लेकिन एक मीडिया हाउस के कर्मी होने की वजह से लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो परिस्थितियां लोग बयान कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में उन्हें दिलासा देने के लिए, उनकी मदद पहुंचाने के लिए हमारे पास भी तमाम इंतजाम जो हैं वह बंद हो चुके हैं, क्योंकि कहीं कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। आप स्थिति की कल्पना कर लीजिए कि हजारीबाग से मरीज को लाया जाता है, मरीज कई अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए सदर अस्पताल की गेट पर पहुंचता है, स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने से चंद सेकंड पहले दम तोड़ देता है, और स्वास्थ्य मंत्री महज खानापूर्ति करते हुए एक जांच कमेटी गठित कर देते हैं, और उस जांच कमेटी को अगले 48 घंटे में यह सुनिश्चित करना होता है कि किनकी लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है। यह है झारखंड की स्थिति, और मुख्यमंत्री मधुपुर उपचुनाव में व्यस्त हैं, एक सीट की वजह से मुख्यमंत्री और पूरे सरकार की इज्जत कटघरे में खड़ी है। राज्य की जनता, 3.25 करोड़ जनता आज स्वास्थ्य संकट से, कोरोना महामारी की वजह से बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब या तो ईश्वर बचा सकता है, या जनता खुद अपने आप इंतजामों के लिए बाहर निकल आएगी। कुंदन जी, राजीव रंजन प्रवक्ता कांग्रेस की फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राजीव जी, अस्पतालों की हालत जिस तरह से बदतर होती चली जा रही है, तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर सरकार और प्रशासन का सहयोग अगर नहीं मिला तो फिर हम भी आगे कुछ नहीं कर सकते मरीजों के लिए। सर, कैसे होंगी व्यवस्थाएं दुरुस्त, बताइए। व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, ऐसा नहीं, निश्चित रूप से महामारी है, और इस महामारी के दौर में सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होगा। सिर्फ चीजों को एक नजरिए से देखने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से लगातार सरकार, ठीक है, माना कि मधुपुर में चुनाव है, अभी मैं कुंदन जी को सुन रहा था, तो पूरे बंगाल में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, पूरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री पहली बार कोविड में पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड के अंदर जाकर के मरीजों के हालचाल जानने का प्रयास कर रहा है। कुछ घटना घटी है, निश्चित रूप से वो दुखद है, और कौन लोग इसके जिम्मेवार है इसकी भी जाँच होगी। ठीक है राजीव जी, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन जी भी लाइन पर बैठे हैं। कुंदन जी,
राजीव जी, आज के दिन बन्ना गुप्ता जब पहुंचे अस्पतालों में जायजा लेने के लिए पीपी किट पहनकर, तो एक बच्ची सर वहां पर रो रही थी, उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन वहां पर मंत्री जी ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा सर। कि हम शर्मिंदा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में जो लोग भी जिम्मेवार होंगे, सरकार उसकी भी जांच करेगी। कोई जानबूझ करके किसी सरकार की ये मंशा नहीं रही है, और आपने देखा है कि पिछले साल भी और आज भी सरकार किस तरह से गंभीर है। मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, उन्होंने चुनावी दौरा भी रद्द कर दिया, तो प्राइवेट अस्पतालों के 50% बेड को भी सरकार ने टेकओवर करने का निर्णय कल ही ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार लगातार चीजों पर नियंत्रण रखी हुई है। और जहां तक आज मुख्यमंत्री जी ने मधुपुर में भी ये कहा है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए केंद्र सरकार के स्तर पर भी, केवल झारखंड कड़े निर्णय ले ले, इससे देश का कोरोना समाप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री और बाकी महागठबंधन के नेताओं के मधुपुर दौरे की तो सबको चिंता है, लेकिन पूरे बंगाल में रोड शो कर रहे हैं, लाखों लोग जो है उसकी भीड़ लगाई जा रही है, उसकी चिंता किसी को नहीं है सर। लेकिन अभी हम झारखंड की परीक्षा पे हम बात कर रहे हैं, झारखंड की परिस्थितियों और हालातों पर हम बात कर रहे हैं, जब केंद्र से सवाल करना होता हम करते हैं। राजीव जी, झारखंड की परिस्थितियों की भी चर्चा मैंने कर दी कि जिस प्रकार से जो एक्ट है उसको और कड़ाई से पालन करते हुए प्राइवेट अस्पतालों में भी, चूंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसको लेकर के दुरुस्त करने की दिशा में और बेड की कमी नहीं होने देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है। दो दो आईएएस की प्रतिनियुक्ति की गई है इस पूरे प्रकरण को देखने के लिए। ठीक है, घटनाएं हो रही, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये महामारी का कालखंड है, सिर्फ दोषारोपण कर देने से चिंता दूर नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए सर वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, जिस तरह से अभी आपने सुना, हम भी देख रहे हैं तस्वीरों को लगातार, ये कहना कांग्रेस की प्रवक्ता का कि हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, सभी को चिंता है मधुपुर उपचुनाव को लेकर कि वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर किसी की नजर नहीं है, वहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, मतलब कि देखिए एक इधर से उधर कर देना पूरे मुद्दे को, और उस पर जवाब अगर बेहतर नहीं है तो कैसे टोपी पहना दी जाती है कि वहां पर भी तो गलती है। आप देखिए कुंदन जी, देखिए सागर, आपने बिल्कुल सही बात कहा राजू जी से कि हम लोग अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, अगर केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में या पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो फिर वो सवाल का जवाब हम किसी दूसरे शख्स से या दूसरे अधिकारी से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि झारखंड में जो स्वास्थ्य इंतजाम हैं, सरकार 2019 में स्थापित हुई थी 29 दिसंबर को, और तब से लेकर अब तक 2020 में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे थे, उसके बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था, स्वास्थ्य इंतजामों को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, क्योंकि यह सब लोग जानते थे कि कोरोना महामारी का खतरा भी टला नहीं है। उसके बावजूद जो आज की तारीख में परिस्थितियां हो रही हैं, झारखंड देश में 5वां सबसे तेजी से संक्रमित होने वाला राज्य बन चुका है, और यह वही राज्य है सागर जिसने कोरोना के पहले स्ट्रेन के दौरान सबसे सुखद परिस्थितियों का सामना किया था। हमारे राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने के बावजूद भी स्थितियां इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी, नियंत्रण से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज अगर स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा रही हैं तो उसके लिए उचित कार्रवाई और उचित दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को जरूरत है रांची में बैठकर तमाम स्थितियों पर नजर रखने की और तमाम स्थितियों को नियंत्रित करने की, जनता को एक विश्वास दिलाने की कि राज्य का मुखिया उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की थी, जब पिछले साल प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन रांची आ रही थी या झारखंड के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही थी, तो मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर प्रवासी मजदूरों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ढांढस दे रहे थे, दिलासा दिला रहे थे और विश्वास दिला रहे थे कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री की हमने भी तारीफ की थी, जनता ने भी तारीफ की थी। लेकिन आज की तारीख में जो स्थितियां बन पड़ी हैं उसमें मुख्यमंत्री से अपेक्षा किसी और काम की
है, मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जा रही है कि यहाँ रांची में बैठकर नियंत्रण कक्ष में बैठकर उन्हें तमाम राज्य के 24 जिलों की स्थितियों पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, स्वास्थ्य इंतजामों पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। शायद सचिव स्तर के अधिकारी या रांची के उप विकास आयुक्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करवा पा रहे हैं, अगर राज्य का मुखिया चाहेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई घंटों का काम मिनटों में कराकर जो सैकड़ों मरीजों की जान। ठीक है कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको, डॉक्टर अनंत सिन्हा फोन लाइन पर। अनंत जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शुक्रिया अनंत जी, अभी आप ही लोग के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े थे, दिन में भी तमाम नेताओं से बातचीत हुई। उनका यह कहना कि अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बेहतर हमने किया भी है, लेकिन सर आप लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, सरकार कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं। सर क्या देखा जाए यहाँ पे, क्या माना जाए? देखिए बेड की कमी तो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बनाया गया है कि आप लोग 50% कैपेसिटी के अपने बेड्स को कन्वर्ट कर दीजिए कोविड में, हम लोगों ने दो दिन के अंदर कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ की अक्यूट शॉर्टेज है फिर भी कर दिया। मरीज का भी बहुत ज्यादा लोड है, मना करना पड़ जा रहा है, मरीज एम्बुलेंस में घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज शाम को सारे हॉस्पिटल्स में हो गया कि ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई हो गई। मेरे खुद के हॉस्पिटल में 35 मिनट तक मेरे पास ऑक्सीजन नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हुआ, 5-6 मरीजों की हालत बिगड़ गई, लेकिन फिर आ गया। लेकिन शायद सब कुछ सुधर गया है, 15 सिलेंडर और पीछे से आ रहा है, क्योंकि जो पहले रांची का लोड था वो 4 गुना हो गया है ऑक्सीजन का। और अगर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमारे हाथ बंधे के बंधे रह जाएंगे। बाकी इसमें अब कोई पार्टी क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। ऑक्सीजन आना है, दवा रेमडेसिविर भी शॉर्ट सप्लाई में है, सुना है सरकार बहुत कोशिश कर रही है, पूरे कंट्री में शॉर्ट सप्लाई में है, आ जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है कुंदन जी भी हमारे एडिटर लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, डॉक्टर अनंत सिन्हा है लाइन पर, फोन लाइन पर। कुंदन जी डॉक्टर अनंत, एक सवाल, देर शाम में जब ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी तो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से रांची में कई सारे मरीजों की जान खतरे में बताई जा रही थी, अभी की स्थिति क्या है? ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई की वजह से किसी मरीज की मृत्यु होने की खबर हमारे पास तक तो नहीं पहुंची है, क्या भरोसा दिला सकते हैं आप एक अस्पताल के संचालक होने के नाते कि अगले 24 घंटों तक ऑक्सीजन की सप्लाई आप लोगों तक पहुँच चुकी है? होता है ना, पहले तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि दो हमारे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुआ देवकमल में, 35 मिनट तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहा, लेकिन हमारे स्टाफ लोगों ने जिनको जरूरत थी उनको पंप लगा करके, उसको बोलते हम लोग एम्बू बैग, सबको सहारा देते रहे, ऑक्सीजन फाइनली आया, रात भर का स्टॉक हमारे पास आया है। लेकिन हमें DDC जो भी इंचार्ज है रांची के हेल्थ, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है और फोन हमारे पास मुख्य सचिव का भी आया था कि आपको तो शॉर्ट सप्लाई नहीं रहेगी। अभी मैसेज आया है कि 2 टैंकर रांची पहुंचने वाले हैं और 2 दिन तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ऑक्सीजन का नहीं होगा। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को ये प्रॉब्लम एंटिसिपेट करना था क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ही 4 गुना बढ़ गई है पिछले 1 हफ्ते में। हेलो बाकी जी डॉक्टर अनंत, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, जिस तरीके से COVID-19 के पेशेंट को एक स्पेसिफाइड प्रिस्क्रिप्शन अभी रिलीज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो होम आइसोलेशन में हैं या जो अस्पतालों में भर्ती हैं, तो क्या आपको लगता है कि रांची शहर में दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित है, दवाइयों की कहीं से कोई कमी नहीं है? दवाइयों की कमी तो है, एंटीबायोटिक की भी कमी है, बीच में 2 दिन तक पैरासिटामोल तक भी नहीं मिल रहा था। अभी सिर्फ रांची में है या पूरे कंट्री में है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि सब जगह कुछ कुछ कमियां आ रही हैं। दवा की कमी के बावजूद भी काम चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाई फ्लो सेंटर में अगर आधे घंटे ऑक्सीजन नहीं रहा तो 2-3 जाने जा सकती हैं।
चलिए डॉक्टर अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त थोड़ा कम है बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं हालात, और अब प्रदेश की जनता से हमें क्या अपील करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें तो देखिए अपना काम कर रही हैं, कितनी उन्हें चिंताएं हैं प्रदेश की जनता की, डॉक्टर्स ऑन स्क्रीन क्या कह रहे हैं, लेकिन नेताओं का क्या बयान निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारी क्या निभानी चाहिए, प्रदेश की जनता से क्या अपील करनी चाहिए? कुंदन जी, अपील से पहले मैं सागर बता दूं आपको कि जो स्थिति हम लोग ने कार्यक्रम के शुरू में बयान की थी, उस स्थिति को डॉक्टर अनंत सिन्हा, एक हॉस्पिटल के संचालक हैं, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि एक्चुअली हम लोग जिस ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, वह जमीन पर वही हकीकत मौजूद है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अस्पताल जूझ रहे हैं, दवाइयों की कमी है, और ये दोनों संसाधन सुनिश्चित कराना सरकारी महकमे का काम है, सबसे पहली बात। फिर आपके सवाल के जवाब में आ रहा हूं, आज की तारीख में हर व्यक्ति को जो SOP है COVID-19 के से बचाव के, मास्क का प्रयोग करने का, सैनिटाइजर का प्रयोग करने का, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का, ये तीनों ऐसे SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और अगर कहीं से भी आपको COVID-19 के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपको एक नया सिम्टम ऐड हुआ है, जो कल हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर अमरेश से चर्चा कर रहे थे कि पेट दर्द और लूज मोशंस की शिकायत होने पर भी COVID-19 के सिम्टम पाए जा रहे हैं, बुखार, बदन दर्द, रनिंग नोज, सूखी खांसी, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इमिडिएटली नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना कोरोना जांच कराएं, और अगर आपकी स्थिति ठीक है, कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं, आप कोशिश करें होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कराएं, और अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो नजदीकी अस्पताल में जाकर वहां भर्ती हो और वहां पर आप चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। अन्यथा अभी जो स्थिति बन पड़ी है, अगर आपने जरा सा भी लापरवाही की, जरा सा भी नजरअंदाज किया इन तमाम चीजों को, आपकी जान खतरे में हो सकती है, आपके परिवार की जान खतरे में हो सकती है, और आपके खतरे के साथ साथ यह खतरा और बढ़ता जाएगा। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं पूरे देश में, और अब से कुछ देर पहले की अपडेट है, महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कड़े कदम उठा लिए हैं, लॉकडाउन नहीं लेकिन लॉकडाउन जैसा ही पूरी वहां पर पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, तो अन्य राज्यों में भी, झारखंड में भी ऐसे कदम ना उठाए जाएं, आप कोशिश करिए, आप सावधान रहिए। नमस्कार।